नमस्कार दोस्तों। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता इन माता पिता या अभिभावकों को नहीं होती। अब ये चिंता कैसे मिटे? तो कुछ तरीके इसके हो सकते हैं। जैसे हम उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षित करें, हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, और तीसरा जो आजकल बहुतायत से हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर मैं भारतवासियों की बात करूं, तो भारतवासी अपने बच्चों के आर्थिक भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, या इसके लिए ये मकान बना देता हूं, या इसके लिए ज्वेलरी इकट्ठी कर लेता हूं। तो यदि आप भी अपने बच्चों की आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने आपके लिए रिसेंटली लॉन्च कर दी एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो अब तक तो मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को खुद के भी भविष्य का इन टर्म्स ऑफ पेंशन प्लान सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में उतना अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ अब भारत सरकार आपको आपके बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग तक करने का मौका दे रही है। तो यदि आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए एनपीएस अकाउंट खोल के कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रस्तुत है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। आज की इस वीडियो से दोस्तों, मैं सी अनुप भाटिया आपके समक्ष एनपीएस वात्सल्य स्कीम की डिटेलिंग रखूंगा कि ये स्कीम क्या है। जितना मैं इस स्कीम को समझ पाया हूं, विशेष रूप से इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट को समझना, इसके बेनिफिट्स को समझना, या इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स अगर मुझे कुछ लगे तो वो भी आपके समक्ष रखूंगा, और एक छोटा सा एनालिसिस एनपीएस की आज तक की परफॉर्मेंस पर भी रखेंगे, ध्यान देंगे क्योंकि क्या आपको लगता है क्या कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम में एज अ पेरेंट आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं बैकग्राउंड से, क्योंकि ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम कहां से आई, ये इसका आइडिया कहां से आया। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच ऑन 23 जुलाई 2024 प्रपोज टू लॉन्च एनपीएस वात्सल्य, जिसको मैंने स्मॉल में एब्रीवेटेड करके एनपीएस वी लिखा है, इज अ प्लान फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स टू टेक ऑफ वेयर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द प्लान कैन बी कन्वर्टेड सीमलेसली इन टू अ नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। तो अब तक तो हम एनपीएस अकाउंट मेजर व्यक्ति के लिए खोलने की बात करते थे, अब भारत सरकार ने प्रस्तावना रख दी कि माइनर के लिए एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, संभव होगा ऐसा, और फिर वो एनपीएस अकाउंट उस माइनर के मेजर होने पर नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में तब्दील होगा। एनपीएस वात्सल्य लॉन्च ऑन 18 सितंबर 2024 एज वॉज प्रपोज इन द बजट 2024। दिस स्कीम अलाउज द पेरेंट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट सर्टेन सम ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन टूवर्ड्स एनपीएस टू सिक्योर देयर फ्यूचर एंड हेल्प देम डेवलप अ रिटायरमेंट फंड। तो पर्पज क्या है कि बच्चों के लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि हम अपने लिए रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचते हैं, भारत सरकार एक कदम और आगे चली गई कि आप अपने बच्चों के रिटायरमेंट फंड के बारे में भी चाहें तो आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन आया दोस्तों, व्हाई दिस स्कीम, ये योजना क्यों? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एंड इट प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग्स माइनर यंग। कैसे? मुझे ध्यान आता है जब मैं छोटा था, या आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे घर में जहां पर माता पिता बच्चे को एक गुल्लक ला करके, जिसे गुगनी भी कहते हैं या कोई सेविंग बॉक्स भी कहते हैं, छोटी सी गुल्लक ला के देते हैं जिसमें बच्चे को समय समय पे जो शगुन या घर की खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, वो उसमें बचाते रहते हैं। हमें हमारे माता पिता ने माइनर होने के समय एक बैंक अकाउंट भी खुलवा के दिया कि हम अपनी गुल्लक में जो पैसे जोड़ते थे वो उस बैंक अकाउंट में जमा करा देते। सेविंग बैंक अकाउंट आप सबको पता है 2.5-3%, 4% ब्याज, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो अगर मैं यही कहूं कि बच्चे वो जो पैसा समय समय पे जोड़ते रहते हैं, वो पैसा भी उनकी एनपीएस में डालने की आदत डालें, और जब उन्हें भविष्य में पेंशन मिलेगी तो वो कहेंगे कि बचपन में जो पैसा जोड़ा आज उसकी पेंशन खा रहे हैं, इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, फीचर्स ऑफ द स्कीम अब आपके समक्ष रखता हूं कि इस योजना की क्या विशेषताएं हैं। पेरेंट्स और गार्जियंस कैन ओपन एन एनपीएस वी, दैट इज एनपीएस वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन हु विल बी द सोल बेनिफिशरी। यानी एक माइनर के लिए एक एनपीएस वी अकाउंट खोला जाएगा।
इससे मैं ये इंटरप्रिटेशन निकालने लगा कि अगर एक से ज्यादा बच्चे हो तो हर बच्चे के लिए एनपीएसवी अकाउंट खोला जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ माइनर अंटिल दे अटेन मेजोरिटी। वंस दे टर्न 18 ईयर्स ओल्ड दे दैट इज द माइनर हु बिकम्स मेजर कैन कंटिन्यू द अकाउंट विद द एक्युमुलेटेड कॉर्पस। तो बच्चे को ऑप्शन है कि जब वो मेजर हो जाएगा तो फर्दर अपने अकाउंट को जो भी एक्युमुलेटेड कॉर्पस उस दिन तक का था उसके साथ में आगे कंटिन्यू करे। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA विल इशू अ यूनिक पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जिसको हम स्मॉल में शॉर्ट में प्रान कहते हैं इन द नेम ऑफ माइनर। तो जैसे ही हम माइनर का एक एनपीएसवी अकाउंट खुलवाएंगे उस माइनर के नाम पर एक प्रान नंबर अलॉट हो जाएगा। वो प्रान आगे तक दोस्तों फिर कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम जो उस व्यक्ति के या उस माइनर के मेजर होने पर भी आगे तक चलता रहेगा। फीचर्स में आगे लिए चलता हूं। व्हेन अ माइनर अटेन्स 18 इयर्स द अकाउंट विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेशनल एंड विल बी शिफ्टेड इनटू एनपीएस टीयर वन अकाउंट ऑल सिटीजन मॉडल। जो वर्तमान एनपीएस मॉडल है एनपीएस टीयर वन अकाउंट में जो आपका एनपीएसवी अकाउंट है वो फाइनली कन्वर्ट होगा। Fresh KYC will be know your customer guidelines के हिसाब से fresh KYC will be carried out when the minor is 18 years old. It will be done within 3 months of the attaining of age of majority. The minor can operate the account once he or she attains the majority after KYC completion. यानी minor को भी major होने के बाद में एक बार KYC करानी होगी खाते की। इनिशियल एनरोलमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस वात्सल्य इज ₹1000। तो आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट अपने माइनर सन डॉटर के लिए ₹1000 से खुलवा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम ऑफर्स पार्शियल विड्रॉल एंड एग्जिट ऑप्शंस। ये इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हु में ओपन एनपीएसवी अकाउंट यानी एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कौन खोल सकते हैं। इंडियन सिटीजन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 साल या उनसे कम है उन व्यक्तियों के लिए एनपीएसवी खाता खोला जा सकता है यानी माइनर्स हु आर इंडियन सिटीजन। नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स उनको भी ऑप्शन दिया NRIs को और OCI होल्डर्स को कि यदि उनकी उम्र 18 ईयर से कम है तो उनके लिए भी एनपीएसवी अकाउंट खोला जा सकता है। पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड कैन ओपन एंड ऑपरेट द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर्स। अब पेरेंट्स में और गार्जियन शब्द में फर्क है जिस पर अभी मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं मिली। हो सकता है भारत सरकार आने वाले समय में कोई FAQs लेकर के आए जैसे किसी बच्चे के दादा दादी या किसी बच्चे के नाना नानी उसके नाम कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि साहब ऐसे तो एक बच्चे के तीन खाते भी खुल जाएं, एक माता पिता खुला दें, एक नाना नानी खुला दें, एक दादा दादी। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि प्रान नंबर तो एक ही होगा। तो किसी विशेष परिस्थिति में सपोज किसी बच्चे के माता पिता की जगह केवल दादा दादी या नाना नानी हो वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो हमें लगता है कि हाँ गार्जियंस भी ऐसा अकाउंट खुलवा सकते हैं। पेरेंट्स और गार्जियन विल बी नॉमिनीज अंडर द स्कीम एंड द चाइल्ड विल बी द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द अकाउंट। यानी ये खाता ज्वाइंट में नहीं होगा केवल माइनर के नाम पर होगा। आप एज अ पेरेंट अथवा गार्जियन वहां केवल नॉमिनी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं हाउ टू ओपन और अप्लाई एनपीएस वात्सल्य स्कीम के। चलिए फीचर समझने के बाद में मोटा मोटी आपने मानस बनाया कि चलो क्यों ना हम भी माइनर के नाम छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही शुरू करें। क्या पता कल एक अच्छी वेल्थ हमारे पास हो तो हम बच्चों के लिए इस तरीके से एनपीएस के रूप में पैसा इकट्ठा जमा कराना चाहे। तो पेरेंट्स और गार्जियन कैन ओपन द एनपीएसवी अकाउंट और ENPS ऑन द ENPS वेबसाइट और थ्रू पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस जिसको हम स्मॉल में शॉर्ट में POPs कहते हैं विच इंक्लूड इंडियन पोस्ट ऑफिस मेजर बैंक्स पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। यानी आप ऑनलाइन भी ये खाता खोल सकते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स के पास में या पेंशन फंड के थ्रू भी ये खाता खोल सकते हैं। अमाउंट दैट इज द अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर नॉट इन द नेम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। ये बात पहले भी क्लियर कर दी यहां पर फिर रिपीट करिए। इसी से जुड़ा एक प्रश्न आएगा कि अच्छा मैंने अब खाता खुलाने का मानस बनाया तो व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन एनपीएस वी अकाउंट। वन आधार कार्ड ऑफ द गार्जियन। सेकंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द माइनर विच में बी वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन वुड बी रिक्वायर्ड।
scanned copy of the passport in the case of NRI subscribers, scanned copy of foreign address proof in the case of OCI subscriber, etc. तो ये आपको डॉक्यूमेंट यहां पर तैयार रखने चाहिए आप अगर एनपीएसवी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो. साथ ही स्कैंड कॉपी ऑफ द बैंक प्रूफ इन द केस ऑफ एनआरआई और ओसीआई सब्सक्राइबर वुड बी रिक्वायर्ड. एक लाख पते की बात जो बड़े काम की होगी कि ओके व्हाट आर द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर एनपीएस वात्सल्य स्कीम. आपको ध्यान होगा कि एनपीएस में भी तीन मेन कैटेगरीज आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलती है. लगभग सेम कैटेगरीज मेरी ओपिनियन में एनपीएस वात्सल्य में भी अलाउ की गई हैं. दिस स्कीम ऑफर्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस. नंबर वन डिफॉल्ट चॉइस मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड जिसमें 50% पैसा इक्विटी में लगेगा और बाकी का पैसा आपका डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा. ऑटो चॉइस. अब ऑटो चॉइस में आपके पास विद इन ऑटो चॉइस तीन चॉइस है. पहला एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC75 जिसमें 75% इक्विटी में लगेगा बाकी का पैसा आपका डेट अथवा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है. मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC50 जिसमें 50% इक्विटी है बाकी का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स वगैरह में होगा. या कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड LC25 जिसमें 25% पैसा इक्विटी में लगेगा. एक्टिव चॉइस पेरेंट्स कैन एक्टिवली डिसाइड एलोकेशन ऑफ फंड क्रॉस इक्विटी अप टू 75% आप चुन सकते हैं. से आप कहते हो जी मेरे को 65% इक्विटी में ले जाना है. ओके यू कैन चूज दैट वे इन एक्टिव चॉइस. गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप टू 100% आप कहते हो जी मुझे तो मोस्ट सेफ मोड में इन्वेस्ट करना है तो इससे आपकी वैल्यू तो कम बढ़ेगी पर आपका प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा. कॉर्पोरेट डेट अप टू 100% एंड सम ऑल्टरनेट एसेट्स अप टू 5%. कौन सा फंड चुनना है वो आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से चुनना चाहिए. आप यदि भारतीय शेयर मार्केट के प्रति एग्रेसिव हैं अगले 15 साल 20 साल में तो नेचुरली आपको इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना है. अगर आप वहां पर रिस्क एवर्सिव हैं तो आपको गवर्नमेंट अथवा डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा. एक बैलेंस अप्रोच मुझे लगता है अगर फॉलो की जाए तो ज्यादा अच्छा. बात करता हूं दोस्तों मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की. अंडर एनपीएसवी स्कीम दैट इज एनपीएस वात्सल्य स्कीम द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी ₹1000 पर ईयर. ठीक है 1000 रुपीज से खाता खोलना है और हर साल मिनिमम 1000 रुपीज डालना है तो वैसे तो बहुत मिनिस्कल है. बड़ा अमाउंट का आपको कंट्रीब्यूशन सोचना चाहिए पर किसी ईयर में हम नहीं भी कर पाए तो मिनिमम 1000 रुपए से काम चलेगा. देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एज सच ऑन डेट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हालांकि मेरा इस वीडियो के थ्रू भारत सरकार से निवेदन है कि एनपीएसवी पर गवर्नमेंट एक प्रॉपर एफएक्यूज लेकर के आए ताकि जनता जनार्दन को प्रॉपर हर प्रश्न का उत्तर मिले जिससे कि ये स्कीम और प्रमोट होगी. तो अभी वो एफएक्यूज मुझे उतने नहीं मिल रहे तो मैं जितना समझ पाया हूं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वो आपके समक्ष रख रहा हूं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की लिमिट एज सच अभी के लिए नहीं है. तो किसी के दिमाग में आया कि ठीक है भाटिया जी मैं तो फिर 25 लाख करना चाहता हूं क्या कर सकता हूं. आज की डेट में मैं तो मना नहीं करूंगा. जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो शायद एक्चुअल सिचुएशन आपको तब पता चले. How to invest in this scheme? इस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करना है. हालांकि मैंने पहले भी हिंट दिया फिर बात रख रहा हूं. पेरेंट्स ऑफ अ माइनर और अ गार्जियन देयर फोर कैन ओपन एनपीएसवी अकाउंट ऑन द ई एनपीएस वेबसाइट और थ्रू द ऑथराइज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जैसा कि मैंने कहा था बैंक पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा. वंस दे ओपन द अकाउंट दे मे मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट थ्रू द ई एनपीएस वेबसाइट और ऑथराइज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वेयर दे हैव ओपन सच अकाउंट. तो आपने जहां भी खाता खुला है आप ऑनलाइन भी जमा करा के कर सकते हैं या आप सीधे बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाके भी पैसे जमा करा सकते हैं इस एनपीएसवी अकाउंट. यदि किसी की क्यूरियोसिटी हो कि ओके व्हाट इज द प्रोसेस टू ओपन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जमा कराने के लिए तो आपको वहां जाके फॉर्म वगैरह भरना होगा. लेकिन ऑनलाइन आपको ये खाता खोलना है तो विजिट ई एनपीएस पोर्टल where you will be going to the official ENPS website which will host the NPS Vatsalya scheme event. Select the NPS Vatsalya option. Look for the option to apply for NPS Vatsalya scheme specifically designed for minors. Complete your registration. Fill out the necessary details including minors information and guardians KYC etc. Upload document. Please provide required documents such as proof of identity, address for guardian, proof of age of minor, etc. Make initial contribution. Ensure a minimum annual contribution of 1000 is made during registration.
and receive PRAN card. After successful registration, a PRAN card will be issued for the minor subscriber. So this is how you can open this NPS Vatsal account online. अब मान लेते हैं दोस्तों, आपने एक एनपीएसवी अकाउंट एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल लिया, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि अनूप जी, मैं अगर इस खाते से पैसे निकालना चाहूं, चाहे बच्चे के पर्पज से ही निकालना चाहूं, तो फिर उसका भी तो कोई रास्ता होना चाहिए. सो फॉर व्हाट पर्पज द विड्रॉल में टेक प्लेस बिफोर 18 ईयर्स एज, पेरेंट और गार्जियन कैन विड्रॉ फॉर द पर्पजेज ऑफ वन एजुकेशन. ये कहा क्योंकि आप एजुकेशन के पर्पजेज से बच्चे के लिए निकाल सकते हैं. Disability of more than 75%, ऐसी परिस्थिति में भी पैसा निकाला जा सकता है. And in certain cases, treatment of a specified illness में भी पैसा निकाला जा सकता है. As specified by PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, जो reasons mention करेगी specifically, उनके अनुरूप आप partial withdrawal, even before completion of 18 years, certain restricted cases में, specific cases में कर सकते हैं. ऐसा अभी प्रतीत होता है या है, जिस पर और डिटेल गाइडलाइंस आपको समय के साथ मिलेगी. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कैन वी एग्जिट फ्रॉम दिस स्कीम और व्हाट विल बी द फाइनल विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा. दिस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर पार्शियल विड्रॉल बिफोर द चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स ओल्ड, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में मेरे साथ देखा. The conditions for partial withdrawal from the NPS Vatsalya account are as follows. Parents or guardian can withdraw after 3 years of joining NPS. तो 3 साल minimum account चलेगा, उसके बाद partial withdrawal possible होगा. They can withdraw up to 25% of contributed amount. मान लीजिए मैंने 3 साल में 1-1 लाख करके 3 लाख का contribution किया. 3 लाख का 25% मैं 75,000 rupees withdraw कर पाऊंगा contributed amount का, वो भी कब? 3 साल बाद. And withdrawal option is available only 3 times till the child turns 18. तो जब तक बच्चा 18 साल तक होगा, आपके पास 3 बार मौका होगा जब आप ये पैसा इस स्कीम से पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं. इन्हीं एग्जिट या विड्रॉल रूल्स पे फर्दर बात कर रहा हूं. वंस द चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज 18 ईयर, द एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट विच कैन बी मैनेज बाय द चाइल्ड इंडिपेंडेंटली. However, the subscriber, that is a minor, must do a fresh KYC within 3 months of turning 18 years old. ये हमने पहले भी बात की थी. The accrued contribution amount in the NPS Vatsalya will be transferred to the standard NPS account. फिर वो पैसा जो accumulate हुआ था, वो सारा standard NPS account, tier 1 account में चला जाएगा. The child can also choose to exit from NPSV account once he/she turns major, instead of converting it into a standard NPS account. तो आपको लगेगा कि वाह, ये अच्छा पॉइंट है कि ये पैसा निकालने का भी ऑप्शन है पूरा 18 इयर्स की एज होने पर. अभी रुकिएगा, इस पर और क्लैरिटी मुझे देनी है. रोल रूल में दोस्तों और 2-3 पॉइंट पहले ऐड करूंगा. इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, द एनपीएस वात्सल्य स्कीम रूल्स विल बी एज फॉलोज. डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर से माइनर चाइल्ड, अनफॉर्चुनेटली द एंटायर कॉर्पस विल बी रिटर्न टू द गार्जियन, दैट इज द नॉमिनी. Death of the guardian in any case, another guardian should be registered under the scheme through fresh KYC. Death of both the parents, unfortunately, if legal guardian of the child can continue the scheme without making contributions until the child attains the 18 years age. Exit withdrawal rule mein dosto, agar the conditions for withdrawal of the NPSV account upon the exit. अगर आप कहते हैं कि साहब 18 साल का बच्चा हो गया, मैं एग्जिट करना चाहता हूं, तो क्या रूल है, बड़े ध्यान से समझिएगा. At least 80% of accumulated corpus is to be reinvested into an annuity plan and the remaining 20% can be withdrawn as a lump sum account. This is very important. मान लीजिए हम 1-1 लाख करके टोटल 18 साल होने तक बच्चे तक हमने टोटल 16 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किए. 16 साल में बच्चा 2 साल का था तब मैंने अकाउंट खोला. 16 लाख के उस समय तक मान लीजिए 30 लाख हो गए. 30 लाख का 20% तो हमारा लमसम विड्रॉ हो जाएगा और बाकी का 80% हो गया हमारे पास में से 24 लाख. उस 24 लाख की एनुअटी बन जाएगी, यानी आपको एनुअली एक तरीके की पेंशन बन जाएगी. हो सकता है उसमें ऑप्शन हो आपको, जैसे एनपीएस में ऑप्शन होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पेंशन लेने का. इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ द एक्युमुलेटेड कॉर्पस इज लेस देन 2.5 लाख, द एंटायर अमाउंट कैन बी विड्रॉन एज लमसम. आज की डेट में जो रूल बनाया गया वो ये कहा है कि अगर आप 2.5 लाख तक का ही फंड जोड़ते हैं तो आपको पूरा पैसा 18 ईयर्स की एज में विड्रॉ हो जाएगा.
और अगर आपकी कॉर्पस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा है तो ये 80-20 का रूल जो मैंने डिस्कस किया वो लागू होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पक्ष रखता हूं इनकम टैक्स बेनिफिट्स और एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू एनपीएस वात्सल्य अकाउंट, जो आपको ऑनलाइन बहुत कम इस पर क्लैरिटी मिलेगी। मैं नहीं कह रहा कि मैं जो क्लैरिटी दे रहा हूं वो फाइनल है, क्योंकि इस विषय पर भारत सरकार ने भी कोई स्पष्ट व्यवस्था की नहीं। तो जितना मैं अपनी बुद्धि से समझ पाया हूं बात रखता हूं। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्टेड इन सेक्शन 80CCD टू प्रोवाइड क्लैरिटी वेदर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस वात्सल्य स्कीम विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर द सेट सेक्शन। तो पहली बात तो एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप करते हैं, चाहे वो 80CCD 1 हो या 80CCD 1B हो, वो सब अब ओल्ड रिजीम में है जो धीरे धीरे रिडंडेंट हो रही है। तो भारत सरकार ने हालांकि इस विषय में तो अभी क्लैरिटी नहीं दी कि एनपीएस वात्सल्य में जो आप पैसा जमा कराएंगे उसका डिडक्शन क्या ओल्ड रिजीम में किसी सेक्शन में मिलेगा। आई होप ये क्लैरिटी भारत सरकार को देनी चाहिए जल्दी। द पार्शियल विड्रॉल शुड नॉट बी टैक्सेबल, बट देर इज नो क्लैरिटी प्रोवाइडेड एज सच इन दिस रिगार्ड। जैसे हमने बोला कि 18 साल होने तक 3 बार आप पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन उसका क्या टैक्सेशन होगा अभी कोई स्पष्ट व्यवस्था लॉ में नहीं की गई। हो सकता है आने वाले टाइम में इस वीडियो को देखकर भारत सरकार कर दे। द कंप्लीट विड्रॉल एट द टाइम ऑफ माइनर अटेनिंग मेजोरिटी एज शुड नॉट बी टैक्सेबल, बट देर इज नो क्लैरिटी प्रोवाइडेड एज सच इन दिस रिगार्ड। 2.5 लाख से कम तक के कॉर्पस विड्रॉल के केस में टैक्सेशन नहीं है, इवन 20% वाले मैटर में भी टैक्सेशन नहीं है। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, विड्रॉल पॉसिबल है। मुझे लगता है भारत सरकार को इस विषय में भी क्लैरिटी देनी चाहिए। द एन्युटी फ्रॉम एनपीएस भी इफ एनी शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशरी, बट नो क्लैरिटी प्रोवाइडेड एज सच इन दिस रिगार्ड। मेरा फिर कहना है, फिर भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जब भी कोई स्कीम लेकर के आए उस स्कीम के साथ एक एफएक्यूज लेकर के आए, ताकि जनता को उस स्कीम में आने का जो इंसेंटिव है वो क्लैरिटी के साथ में मिले। इस पर नहीं कि हम बहुत सारे कंफ्यूजन्स के साथ स्कीम में बढ़े और बाद में हमने स्कीम को आनन फानन में ऑप्ट किया, बाद में पता चला कि अरे साहब ये तो हमने बात विचार नहीं करी। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि अगर कोई स्कीम बनाती है तो उस स्कीम को सरकार के पदाधिकारियों को प्रॉपरली लॉन्च करना चाहिए, पूरे क्वेश्चंस के जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं उनके और उनके आंसर्स के साथ लॉन्च करना चाहिए, ताकि ये जो करोड़ों की जनता है भारत सरकार की, वो भारत सरकार की नहीं कहूंगा भारतवर्ष की कहूंगा, तो उस जनता को सही गाइडेंस मिले, राधा देन वो डिपेंडेंट रहे कि एक गॉसिप तरीके से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते रहने। तो इतनी सारी जो चर्चा की आपके साथ, इसके कुछ प्लस पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि ओके एनपीएस वात्सल्य के प्लस पॉइंट क्या है। पहला, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर फॉर अ माइनर। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर माइनर्स बाय द पेरेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर जो लोग सक्षम है उन्हें लगता है अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग का अच्छा मोड, क्योंकि बच्चा वो पैसा पूरा नहीं निकाल पाएगा। अगर हम 2.5 लाख के उससे ऊपर कर पाए तो बच्चे को टुकड़े टुकड़े में वो पैसा आता रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, 1,000 रुपए से लेकर के अपर लिमिट दिख नहीं रही तो आपके ऊपर है, 1,000 रुपए बहुत मिनिमम सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बैलेंस रिटर्न अपॉर्चुनिटी, के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कॉम्बिनेशन तय कर सकते हैं कि मैं इक्विटी एक्सपोजर कितना लूंगा, डेट एक्सपोजर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्सपोजर कितना लेना। नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर विच अकाउंट में बी ओपन। तो किसी के हो सकता है 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, तो वो भी चाहें कि उन सब बच्चों के लिए हमें एनपीएस भी अकाउंट खोलना है, तो वैसे तो बच्चा एक ही अच्छा, ऐसा आज की डेट में भारतवर्ष की जनसंख्या को देखते हुए लगता है। पर बहुत सारे एस्पेक्ट इस विषय में समान नागरिक संहिता के रूप में आने वाले समय में लागू होने चाहिए। एक्सप्लेनिंग टूल टू अवॉइड टैक्स ऑन ग्रोथ अर्न। सो इट्स अ टैक्स प्लानिंग टूल इन माय ओपिनियन। मेरे जैसे लोग जो इनकम टैक्स में थोड़ा बोलते रहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हाँ साहब आप क्या हो रहा है, जैसे हम बच्चों के लिए एफडी कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमारे हाथ में टैक्सेबल होता है, शेयर्स खरीदते हैं डिविडेंड हमारे हाथ में टैक्सेबल होता है। एनपीएस में जो एक्युमुलेशन होता है उसमें आपके हाथ में कोई टैक्सेशन नहीं आता दिख रहा, प्राइमा फेसाई, और बच्चा जब मेजर होगा उसको पेंशन मिलेगी तो उसके हाथ में टैक्सेशन जाना चाहिए। तो एक तरीके से आपको कोई टैक्सेशन नहीं आ रहा, तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का एक ऑप्शन एनपीएस में ढूंढ पाएंगे। एक दोस्तों परफॉर्मेंस चार्ट रखता हूं आपके समक्ष के 23 सितंबर 2024 को मैंने इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में हर मंडे एनपीएस का परफॉर्मेंस आता है एनालिसिस, तो ये एक क्लिक मैंने वहीं से लिया।
डिफरेंट डिफरेंट एनपीएस फंड्स हैं, इक्विटी प्लान का ही मैंने केवल क्लिक लिया है, जिसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने की हैं। तो अपन बात करते हैं एचडीएफसी पेंशन फंड की, जिसकी एनएवी 55 रुपए 52 पैसे है। 1 साल का रिटर्न इस एनपीएस इक्विटी प्लान में है 36.39%, 3 साल का एवरेज है 17.02%, 5 साल का एवरेज है 20%, और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास पड़ी है लार्जेस्ट 46,943 करोड़। और आप कंपेयर करिएगा इस रिटर्न को बीएसई 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से, तो मैं केवल एचडीएफसी एचडीएफसी में भी अगर चलता हूं तो 36% एनपीएस ने रिटर्न दिया है, जिसमें कुछ परसेंट डेट भी होगा, और बीएसई 200 दे रही है 38.42%, यानी 37 या 36 और 38.42, लगभग केवल 2.5% का गैप है। बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है दोस्तों। 18% आ रहा है 3 साल में, और 5 साल में बीएससी का रिटर्न आ रहा है सेंसेक्स का 21.78, और उसके कंपैरिजन में एचडीएफसी पेंशन फंड दे रहा है 20.44। मैं यहाँ एचडीएफसी पेंशन फंड को प्रमोट नहीं कर रहा, केवल कंपैरिजन कर रहा हूं। आप चुनिए आपको कौन सा फंड सुहाता है, और ये आने वाले समय में अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। कुछ एनपीएस वी फंड्स मेरे हिसाब से इन प्राइवेट प्लेयर्स के भी आने वाले हैं, तो जब ये प्राइवेट प्लेयर्स के एनपीएस वी फंड आएंगे तब आपको तय करना है, क्योंकि इनमें से कौन सा फंड आप अपने बच्चे के लिए चुनना चाहते हैं। ये फंड एग्जिस्टिंग एनपीएस फंड है, आप इनमें नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एनपीएस वी फंड इन कॉर्पोरेट्स को अलग से बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे अनूप जी आपने पॉजिटिव बातें बहुत करी, कुछ नेगेटिव भी तो बताइए। तो माइनस पॉइंट क्या है, कंप्लीट लिक्विडिटी नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्लान। इवन बहुत से केसेस में जब आप 2.5 लाख या उससे ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे कॉर्पस, तो वहां पर भी आपको कंप्लीट लिक्विडिटी नहीं मिल रही। ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको विचार करना है। लिक्विडिटी एट द एंड ऑफ द टेन्योर में ऑल्सो एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ माइनर अचीविंग मैच्योरिटी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर जो लिक्विडिटी है वो फुल लिक्विडिटी नहीं होकर केवल 20% का लिक्विडिटी का मैटर आ रहा है। ये भी एक तरीके का माइनस पॉइंट हो सकता है, और मुझे ये भी माइनस लगता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विड्रॉल पॉसिबल है। और फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं रहे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पूरा पैसा माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं निकाला जा सकता, ये भी क्वेश्चन अनआंसर्ड है। तो कुछ माइनस पॉइंट जरूर हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यदि करना चाहें तो मुझे लगता है ये ऑप्शन वर्केबल हो सकता है। दोस्तों आपने मेरे साथ एनपीएस वी यानी एनपीएस वात्सल्य योजना पर बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स मैं समझ पाया वो समझे, और इसकी वजह से मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ओके, हाउ मच मार्क्स यू विल गिव दिस स्कीम ऑन अ स्कोर कार्ड ऑफ 1 to 10। आप मुझे स्कोर देना चाहें ना देना चाहें, मैं उसके लिए नहीं आपसे अनुग्रह कर रहा। मेरा अनुग्रह यह है कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम को आपने समझा, हो सकता है आप और इसे डिटेल में समझ पाए, और आप एनपीएस वात्सल्य स्कीम पर इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट मैं छोड़ गया हूं, तो आप उसे लिखें ताकि जनता जब ये वीडियो देखे तो उन्हें कमेंट्स के पोर्शन में और ज्ञानवर्धन हो। और आप ये भी मेंशन करें कि आपकी नजर में एनपीएस वात्सल्य योजना ऑन अ स्कोर कार्ड ऑफ 1 to 10 कहाँ ठहरती है। 1 नंबर देंगे, 2 देंगे, 10 देंगे, पढ़ते हुए क्रम में आपको चुनना है। अगर आप ज्यादा मार्क्स देंगे तो इसका मतलब आप स्कीम को ज्यादा अच्छा मानते हैं, कम नंबर देंगे तो इसका मतलब आप उसे कम अच्छा मानते हैं। और साथ में अगर आप रीजन दे सकें तो ये वीडियो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करने में सहायक होगी। भारत सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इस स्कीम पर प्रॉपर FAQs लेकर के जनता में पहुंचे, ताकि जनता में यदि कोई भ्रम मेरे जैसे यूट्यूबर क्रिएट कर गए हो तो वो क्लियर हो पाए। तो आज के लिए यहां समाप्त करना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।